headings. या उसमें एक ही प्रॉब्लम निकला, वो लेवल ढूंढने में, हाँ ड्रॉ लेवल कर। ढूंढ, असल में वो लंबा लग जाता है ना, तो लेवल ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हाँ, हालांकि वो अच्छा है। और एक चीज है, जब टाइम फ्रेम चेंज होता है तो लेवल भी चेंज हो जाता है। हाँ नहीं, लेवल नहीं चेंज होगा, नहीं वो लेवल चेंज नहीं होगा। अब देखिए, डे में देखा था, बाद में मैं 5 मिनट्स में आ गया तो लेवल ही चेंज हो गया था। नहीं नहीं होना नहीं चाहिए, होता नहीं है वैसे वो चेंज, क्योंकि अच्छा, फिबोनाची कभी चेंज नहीं होती। अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं है, नहीं करके मैं बताएगा पर बाद में आपको। अभी देखिए मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा रखा है, देखिए इस समय राइट, ये देखिए बैंक निफ्टी का मैंने फ्यूचर लगा के रखा हुआ है, और बैंक निफ्टी 2 मिनट में बहुत अच्छा ट्रेड होता है, अच्छा 2 मिनट में ना बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। अब देखिए आप उसे आधे घंटे में चेक कीजिए और उसके बाद उसे 2 मिनट में ट्रेड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आज, ठीक है, देखिए ये आपका इस समय जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, देखिए आपको क्या बोल रहा है, क्या आपको सेलिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पता है, चलिए नहीं, आपका ये तो एनालिसिस देखते हैं। क्लाउड तक आके वापस जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और सब कुछ अगर बोलेंगे, दर्शनी आप भी बताओ। सर पिवोट पिवोट एक रेजिस्टेंस है ना 1 आवर का, तो ठीक है, उसको क्रॉस करेगा तो ही ऊपर जाएगा, वैसे तो यहाँ सेलिंग क्या हो नहीं रहा है, कह सकते। यहाँ क्या हो रहा है, ये चीकू स्पैन कैंडल्स के नीचे है, और देखो कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करने वाला है ये, हाँ, अगर ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो यहीं से शॉर्ट आ जाएगा इसका, ही हाँ शॉर्ट एक्सपेक्टेड है इसका यहाँ से, भले ही ऊपर जा रहा है सब कुछ ठीक है, शॉर्ट कैसे, अगर इसको जाना है तो यहीं से ऊपर चला जाएगा हाँ राइट। मतलब अगर मैं इसे शॉर्ट करना चाहूं तो मैं इसे अंदाजन यहां कहीं से शॉर्ट करूंगा, मैं मार्क कर लेता हूं यहां से हाँ हाँ राइट, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ट्रेड ही देख लेते हैं, है ना, ये आपका जगह है जहां से मेरा ये शॉर्ट होगा, और ये इसी जगह से आपको बता रहा है कि यहां से क्रॉसिंग, हम थोड़ा क्रॉसिंग को ना पास में कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी मोको को मैं इसे ब्लैक लाइन डाल देता हूँ जिसे दिखे, ये वाली लाइन की दिखती है, यस। अब देखिए क्या ये क्रॉस कर रहा है, पास में चलते हैं जरा चीकू स्कैन के, छोड़ देते हैं कैंडल को जरा, ये देखिए सर टाइम लगेगा, अभी अभी देखिए इसने क्रॉसिंग नहीं किया है, नहीं किया है, इसका मतलब देख लेते हैं, आधे घंटे में शायद क्रॉस कर दिया होगा इसने, आधे घंटे में शायद क्रॉस कर गया होगा, ये क्रॉस कर दिया तो भी शायद वापस जाएगा, क्योंकि उतना एंगल तो ऐसा है। कर दिया है हाफ अभी क्या एंगल समझे, क्या हो क्या रखा है कहानी, कि अभी इसको इस जगह से ना रेजिस्टेंस लेना, अभी असल में तो सेल में ही है ना, लॉजिकल बात करते हैं तो सेल में ही है, तो अभी है ना, मतलब देखिए कैंडल इसके नीचे आ रही है, ठीक है, ये दोनों को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, मतलब 50% सेल में आएगी, और देखिए ये भी क्रॉस कर रही है राइट, देखिए क्रॉस कर रही है, तो मतलब 50% आपका सेल में है, लेकिन 100% क्यों नहीं है, क्योंकि चीकू स्पैन इसके नीचे नहीं है, अगर इसके नीचे आ जाती तो मैं 100% सेल में बोलता, तो सेलिंग में है मगर अभी पूरा सेल में नहीं है। अब आपको यहां से इसे एक रिजेक्शन चाहिए राइट, कैंडल बाहर बननी चाहिए रेड यहां पर, और ये आना चाहिए तो नीचे, तो आपको एक सेलिंग मिलेगी। अब हम देखने की कोशिश करते हैं इसी जगह पर 5 या 10 मिनट में कर क्या रहा सब, मैं 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट 2 मिनट में बड़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है। अच्छा, आप आराम से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच के। अब देखिए मैं इसी जगह पर सिनेरियो बताता हूँ, देखिए आपको पूरा इसी जगह पर, इस समय देखिए फ्लैट है, मतलब इसको स्पैन बी बोलेंगे, मतलब स्पैन बी आपका फ्लैट है, फ्लैट का मतलब इससे नीचे नहीं जाने वाला, स्पैन ए जो है, स्पैन ए आपके पास देखिए अभी नीचे जा रहा है, मतलब पॉसिबल है कि यहां तक चला जाए नीचे, यहां तक ही जा सकता है, ठीक है, आपका क्रॉसिंग हो चुकी है कि अभी क्रॉसिंग नहीं हुई, मतलब अभी अभी फिलहाल ही आपका सेलिंग में ही है, अभी बाइंग में नहीं गया। अगर मैं इसके 2 मिनट पे पास और पास में चल रहा हूं, आपने देखिए 2 मिनट पे चलता हूं, मैं देखता हूं 2 मिनट में क्या हो रहा है, यस 2 मिनट में देखिए इसने क्लाउड बनाना शुरू कर दिया एक बाय का,
क्रॉसिंग भी हो गया, क्रॉसिंग भी हो चुका है 2 मिनट में और क्लाउड भी है, लेकिन मैं 2 मिनट की तब कंफर्मेशन मानूंगा जब ये इससे बाहर निकल जाए। या देखिए क्लाउड ग्रीन हो चुका, ठीक है। मॉर्निंग क्लास में थे दर्शनिया? नहीं सर। मोहन जी आप नहीं अटेंड कर रहे मेरी ख्याल से मॉर्निंग वाली क्लास? नहीं आज अभी 2-3 दिन से नहीं हो पाया। आएगा मॉर्निंग में ही मैंने बोला था, सेलिंग जा रही थी, मैंने कहा सेलिंग मत करो इसकी, आप इसकी बाइंग ढूंढना, ठीक है। तो देखिए हमने 1 घंटे पे, मैंने इसको चेक करो, मैंने इसको 1 घंटे पे लगा के बोला कि देखिए ये इसका सपोर्ट है यहाँ पर रेजिस्टेंस, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये सेलिंग नहीं करेगा, सॉरी बाइंग नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए बिल्कुल पास में अब आ रहा है। यस अभी दूर था ना, देखिए और पास आ रहा है, राइट। ये देखिए राइट, मतलब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बाइंग में जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब मेरी सेलिंग एक्सपेक्टेड है, बाइंग एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ से। अच्छा देख रहे हैं? या। अब मैं राइट में देखता हूँ, राइट में क्या हो रहा होगा। देखिए राइट में देखिए अब नीचे आने की तैयारी करेगा, थोड़ा कम टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिए मतलब मैं इसको यहाँ से सेलिंग कर सकता हूँ, मतलब इसके ऊपर 44 मतलब 80-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बस, आपका समझिए मुश्किल से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप सेल कर पाएंगे। अगर 400 रुपए का, 400 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये देखिए 400 रुपए का स्टॉप लॉस है, आप आराम से यहाँ से सेल कर पाएंगे। लेकिन अभी बड़ा टाइम फ्रेम को क्या बोल रहा है इस जगह पर देखते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम देखिए एक शॉर्ट का मैसेज दे रहा है, ये देखिए शॉर्ट हो गया नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी शॉर्ट किया नहीं उसने, ऑलमोस्ट शॉर्ट पे है पर शॉर्ट किया नहीं है उसने। तो ये क्रूशियल पॉइंट है, ये क्रूशियल पॉइंट है जहां से मैं इसको बाय या सेल कर पाऊंगा, अगर इसके ऊपर गया तो बाय है। अब ऐसी जगह पर मैं जरा मैं अपने RSI को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को RSI क्या बोल रही है, लेना चाहिए मुझे नहीं लेना चाहिए इस जगह पर, तो इसको 60 के ऊपर दिखाना चाहिए ना मेरे को। बाय कर रहा है तो दर्शनी सही बोल रहा हूँ सर, भाई इसके ऊपर मेरे को दिखाना चाहिए इसको, अगर बाय होना है तो देखते हैं आ क्या रहा है। यस क्या ये आपको 60 के ऊपर दिखा रहा है? 48 मतलब ये तो मेरे को बाइंग तो नहीं दिखा रहा है, आधे घंटे में देखते हैं कि क्या आधे घंटे में बाइंग दिखा रहा है, ये भी नहीं है। तो बाइंग तो मेरे को शो ही नहीं कर रहा है ये, मतलब देख रहे मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि मैं बाय कर रही हूँ, बाय का तो मेरे को कंफर्मेशन दे ही नहीं रहा है ना। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, दिन में देख लेते हैं दिन में क्या कर रहा होगा ये। यस देखिए दिन में भी ये डाउन पर है, ठीक है दिन में ये डाउन पर है, 1 घंटे में ये 40-46 चल रहा है, 60 नहीं पहुंचा, आधे घंटे में भी बहुत कम टाइम फ्रेम पे है। मैं इसको 10 मिनट में चेक कर लेता हूँ 10 मिनट में क्या कर रहा है, 10 मिनट में भी नीचे है ये, ठीक है 5 मिनट पे देख लेते हैं, 5 कहीं तो देगा मेरे को बाय, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर दिखेगा तो मैं कोई बाय अपना इनिशिएट, हालांकि अगर मैं वैसे देखूं तो मेरे को इस जगह पे बाय मिल रहा है क्योंकि 1 घंटे का पिवोट है ये, ठीक है। मतलब अगर 1 घंटे के पिवोट से ऊपर चलेगा तो मेरे को बाय दे सकता है, मतलब मैं चाहूं तो बाय उठा लूं यहां पर, लेकिन मेरे को सारे इंडिकेटर मना कर रहे हैं अभी कि बाय मत लीजिए। निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, हाँ निफ्टी ऊपर जा रहा है, देखिए यहां से निकल रहा है 2,596 तो साथ में जाना चाहिए ना, हाँ साथ में जाना चाहिए पर अभी जा नहीं रहा है, मतलब अभी अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर चला है, अभी अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है 1 घंटे के। अब अगर इससे ऊपर चलेगा तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा 1,97 और यहाँ से आपको एक बाय देगा, लेकिन मैं वेट करूंगा यहाँ पर कि अगर ये थोड़ा बाहर निकल जाए तो मेरे को बहुत अच्छा होगा, कम से कम 1 मिनट में बाहर निकल जाए, बाहर तो निकला मिले मेरे को, ये देखिए 1 मिनट में तो हालांकि निकल चुका है, ये मेरे को सपोर्ट चाहिए इसका। देखिए अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तो मेरे को बाय दे देगा, तो अभी ऊपर गए 2,900 अभी निकला नहीं है, बढ़िया बात या मतलब सपोर्ट है ये, देखिए 1 घंटे का सपोर्ट था ना ये वाला, या सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट ले लिया लेकिन अभी पूरा नहीं लिया हुआ, देखिए
ठीक है, अभी सपोर्ट पूरा नहीं लिया हुआ है, एक कैंडल ऊपर बन जाना चाहिए कम से कम तसल्ली से कि हाँ ये सपोर्ट मिले मेरे को, या तो रिजेक्शन भी हो सकता है ना। ऐसा जो डाउटफुल केस में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि कभी इधर कभी उधर डाउटफुल केस में मेरे को आरएसआई कर रहा है मना, आरएसआई तो मना कर रहा है कि भाई मत लो, ठीक है, पर ऐसे केस में मैं ये करूंगा कि इसके ऊपर एक दो कैंडल तो रुक जाएं कम से कम, अगर मेरे को ट्रेड लेना भी है। देखिए मेरे को पांच मिनट भी, आप इस समय देखिए आपको एक घंटा मना कर रहा है, यहाँ देख लेते हैं, देखिए आपको एक घंटा मना कर रहा है कि आपकी आरएसआई जो 49 है, 50-60 नहीं पहुंच, ठीक है, सॉरी एक घंटे में, ये देखिए आरएसआई 46 चल रही है, मतलब अभी मना कर रहा है आपको कि ट्रेड मत लो, बाय तो मत करो। हालांकि अगर इसके ऊपर एक दो कैंडल रुकती तो शायद मैं ले भी लेता, चलो 20-40 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको एक घंटा भी मना कर रहा है। और इसके साथ में अगर मैं एक दिन देखता हूँ तो दिन में भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिन में असल में कहानी क्या बन रही है, दिन में देखिए हो क्या रहा है। आपका ये जो क्लाउड है वो फ्लैट है नीचे वाला, राइट, मतलब इससे ऊपर जाने को मार्केट रेडी नहीं है, ऊपर वाला भी फ्लैट हो गया, मतलब ये जहां से कैंडल है यहां से भी ऊपर जाने को रेडी नहीं है। लेकिन अभी इशू ये है कि आपका जो कन्वर्जन बेस लाइन है ये ऊपर जा रही है, जबकि ये फ्लैट हो रही है मगर ये ऊपर जा रही है, ये जरा सी फ्लैट हो जाए तो मेरे को आराम से सेलिंग मिल जाएगी। आर से भी अच्छा है ये आपकी, देखिए ऊपर है, क्यों मोहन जी, ये देखिए ऊपर जा रही है, यस, ये अगर यहाँ पर फ्लैट हो जाए तो मेरे को अच्छा सेल मिल जाएगा, या फिर ये नीचे आ जाए 60 से अच्छा सेल मिल जाएगा, अभी ये सेलिंग नहीं दे रहा मेरे को प्रॉपर, तो मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको अगर एक घंटे में देखता हूँ तो घंटे भर में भी मेरे को कहीं से भी बाइंग का सिंबल नहीं मिल रहा है, देखिए 46 पे घूम रहा है, कम से कम 55 से तो ऊपर हो, है ना। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस जगह पर, तो यहाँ पर भी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये आपका क्रॉसिंग के लिए रेडी हो रहा है, कर ही नहीं है, रूल के मुताबिक इसने एक क्रॉसिंग कर चुका है कैंडल की, लेकिन दूसरी वाली क्रॉसिंग नहीं की है इसने, राइट, अगर ये दूसरी क्रॉसिंग करेगा तो मेरे को एक सेलिंग देगा। पर अभी मेरे पास कंफ्यूजन वाला केस है, क्योंकि अभी इसने मेरे को कुछ भी ऐसे बोला नहीं है, मतलब इसके नीचे अगर मेरे पास सेलिंग आएगी तो मैं एक सेलिंग उठा पाऊंगा, देखते हैं अभी। ये देखिए कहां जा रहा है, 39 पे जा रहा है, इसका मतलब यहां पर से आप कोई अगर मार्केट नीचे आता है तो आप यहां से एक सेलिंग कर पाओगे, देखिए 5 मिनट, ये देखिए, राइट, यस, हम यही वेट कर रहे थे। इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं, इंडिकेटर बेस नहीं होना लेकिन इंडिकेटर आपको हेल्प करेंगे। अभी देखिए इसका यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो ये मार्केट अगर कभी भी ये कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो ये इसका सपोर्ट बन जाता है। हमने ये पहले पढ़ा है, देखिए कन्वर्जन लाइन से नीचे चल रहा है तो सेलिंग का स्टॉक है, और जब कन्वर्जन लाइन से ऊपर आ गया तो सेलिंग का स्टॉक नहीं रहा, और कन्वर्जन और बेस लाइन से अगर ऊपर आ गया तो फिर तो सेलिंग का स्टॉक रहा ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि जब आपका स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये इसके रेजिस्टेंस का काम करेंगे, अगर इससे ऊपर चला गया किसी रीजन से तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर स्टॉक निकल गया, ऊपर अगर स्टॉक निकल गया तो फिर ये इसके सपोर्ट का काम करेंगे दोनों के दोनों, तो अभी इस समय सपोर्ट का काम करेगा, राइट, मतलब ये देखिए इस समय सपोर्ट का काम कर सकता है ये, और इस समय क्रॉसओवर अगर मैं 5 मिनट का भी देखता हूँ तो क्रॉसओवर कहाँ पर है, ऊपर की साइड है, देखिए नीचे की साइड नहीं है, मतलब अभी इसका सेलिंग पोर्शन पूरी तरीके से आया नहीं है, राइट, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पर देखिए जो आपका ये स्पैन ए है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, स्पैन भी फ्लैट है, राइट, मतलब इस मार्केट इसे नीचे जाने को रेडी नहीं है, और जो स्पैन भी है वो बोल रहा है कि अब ये यहाँ से नीचे जाएगा नहीं, अब तो ऊपर जाने वाला है, राइट, जबकि आरएसआई मेरे को मना कर रही है, आरएसआई मेरे को बोल रही है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है अभी, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको चेक करता हूँ, देखिए तो मेरे को पता लग रहा है कि अगर मैं 5 मिनट में इसको देखता हूँ तो 5 मिनट में मेरे को अभी ये एक
लेकिन 5 मिनट में सेलिंग कब आएगी इसकी, 5 मिनट में सेलिंग आएगी जैसे ये 40 से नीचे निकले, सेलिंग करेंगे इसकी, सेलिंग आएगी नहीं। मैं इसको 2 मिनट में देखता हूँ क्या 2 मिनट में क्लाउड से बाहर निकला। ये देखिए अभी क्या कर रहे हैं, क्यों मोहन जी अभी क्या कर रहे हैं, देखिए सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, सपोर्ट ले रहा हूँ, देखिए सपोर्ट ही ले रहा है ना यहाँ पर, तो दिए इसको नीचे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ये, और सपोर्ट अगर इसने सपोर्ट ब्रेक किया तब जाके नीचे निकलेगा, क्लाउड तक जाएगा। इसका मतलब जैसे ही क्लाउड से नीचे निकले तो मेरे को सेलिंग डाल देनी चाहिए, राइट? अभी आपके पास क्या होगा, अब सेलिंग का पोजीशन कब आएगी, सेलिंग की पोजीशन कब आएगी अगर ये चीकू स्पैन यहां से नीचे निकल जाए और आपका ये भी इससे नीचे निकल जाए, राइट, क्लाउड के नीचे, हाँ क्लाउड के नीचे आ जाए और ये इसको क्रॉस कर जाए, राइट, तो मेरी सेलिंग बन जाएगी फिर एक, राइट, ठीक है। डन और नॉट बताए, लेकिन अभी क्लाउड आपको ये, हालांकि 2 मिनट का ही क्लाउड है पर ये आपको कुछ शो कर रहा है कि देखिए स्प्रेड हो रहा है ऊपर की तरफ को, एंगल भी ऊपर की तरफ है, एंगल भी आ रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला नहीं है स्टॉक, ठीक है। मतलब इसको आप वेट कर सकते हैं ऐसे कि अगर 46 के या सॉरी 60 के ऊपर निकलेगा 2 मिनट में तो आप इसकी बाय ढूंढ सकते हैं, या 5 मिनट में 60 के ऊपर निकल जाए तो भी आप इसकी बाय ढूंढ सकते हैं, मतलब सीधा सीधा ऐसे समझे अगर इसके ऊपर निकल गया तो बाय आ जाएगी, या फिर आप ऐसे समझे कि क्लाउड आपके पास श्रिंक हो जाए तो आपकी बाय आ जाएगी, या इसके ऊपर निकल जाए तो भी बाय आ जाएगी, तीनों केस में आप बाय ढूंढ सकते हैं, छोटी से छोटी बाय भी और बड़ी से बाय बड़ी बाय भी, लेकिन अभी इसकी बाइंग नहीं है, या वही दोनों तरफ जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। अब देखिए मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ जो मैं सुबह ट्रेड करके दिखा रहा था, दैट वाज टाटा स्टील। अब टाटा स्टील ने, मैं दिखाता हूँ टाटा स्टील ने क्या किया है, इसको 1 डे की कैंडल देखिए आपकी कैसे बनी है, ये देखिए मॉर्निंग में सेलिंग की कैंडल बनी हुई है इसकी पूरी की पूरी, पूरी सेलिंग है देखिए, प्योर सेलिंग, लेकिन ये आपको केवल हमने सब सेल करने के लिए रेडी थे मॉर्निंग में भी कि सर ये शॉर्ट होगा, और हमने बोला कि ये आपका यहाँ कहीं से बाय लेके जाएगा, लेकिन बेस क्या था, मेरा बोलने का बेस क्या था कि अगर मैं इसको देखता हूँ मंथ में, देखिए रीजन क्या था, मैं देखता हूँ तो मंथ में इसको चेक करिए, ये देखिए क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, केवल ये इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, केवल इस रेजिस्टेंस की बेस पे रुका हुआ था, और क्लाउड के ऊपर भी है, क्लाउड के ऊपर है ये तो बाय है ही वैसे भी, yes. लेकिन आपके पास यहाँ पर जो चीकू स्पैन है वो देखिए रेजिस्टेंस पर रुकी हुई थी, तो अभी अगर इससे ऊपर चली तो आपको बाय दे देगा, मतलब टाटा स्टील आपका शॉर्ट में नहीं जाने वाला, अच्छा भाई मिलेगा, अच्छा भाई यहाँ से मिलकर रख सकते हैं आप यहाँ से, भाई अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में उठाता हूँ, आप 1 घंटे में उठाता हूँ तो मेरे को इसकी बाय मिल जानी चाहिए, सही कर रहा हूँ, राइट, सही, मतलब यहाँ से आपको टाटा स्टील जो है टाटा स्टील की 25 क्वांटिटी बाय करके रख लेनी चाहिए, देखिए खाली ये छोड़ दें अभी आराम से छोड़े रखे, जहां पर भी जाएगा टाटा स्टील को और नीचे से भी बाय कर सकते थे चाहे तो आप, कोई इशू नहीं, लेकिन टाटा स्टील अगर मैं 5 मिनट में बात करता हूँ तो 5 मिनट में क्या करने की कोशिश कर रहा है बताएं जरा, टाटा स्टील ये 1 महीना है, 1 महीने में आपके पास बाय है, इसको पास में देखते हैं, देखिए जाके चीकू स्पैन को ये देख रहे हैं, हो गया ब्रो, कर रहे हैं, अगर मैं इसको जाता हूँ 1 दिन पर तो दिन में जाके देखने की कोशिश करते हैं, दिन में क्या करने की कोशिश कर रहा है, दिन में आपके पास ये रुका हुआ है और जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका बाय नहीं आएगा, राइट, इससे ऊपर इसका बाय नहीं है, लेकिन अगर मैं दिन में इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करता हूँ तो देखिए स्पैन ए भी ऊपर और स्पैन बी भी ऊपर दोनों, ठीक है, ये भी आपका ऊपर की तरफ टिल्ड हो रखी है और ये भी ऊपर की तरफ टिल्ड हो रखी, मतलब और दूसरा चीकू स्पैन भी आपके पास काफी दूर है, मतलब अभी इसकी सेलिंग तो है नहीं, है तो बाइंग इसकी, अब बाइंग मिलेगी कहां से, बाइंग मिलेगी कहां से, ऊपर से कहीं,
इसके ऊपर, इसके ऊपर आपकी बाय बनेगी, राइट। चलते हैं एक घंटे में, देखिए एक घंटा आपको क्या बोल रहा है, एक घंटा आपको बोल रहा है कि अभी ये कम से कम यहां तक नीचे आ सकता है, एक बार क्लाउड तक आ सकता है, क्लाउड तक आ सकता है, आपको इसकी बाय तक उठानी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना मोहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए और हम यहीं पर गलती करते हैं, ये गलती मत करना। देखो मैंने भी ले लिया स्टॉक, मेरे इस समय लॉस में जा रहे होंगे, मैंने 25 स्टॉक भी लिया टाटा स्टील तो मेरे लॉस में जा रहे होंगे, मैंने गलती करी हुई है छोटी सी, और गलती क्या करी हुई है कि मैंने एक घंटे के कन्वर्जन लाइन के नीचे बाय की। आपको कन्वर्जन लाइन के जैसे ऊपर खुला था ना ये, जब भी कभी इसके ऊपर खुलेगा तो आप बाय करेंगे। अच्छा, नीचे बाय करने का, नीचे बाय करने का कोई सेंस नहीं है। देखिए मैं लॉस में होगा, ये देखिए है ना, हालांकि मेरे को कोई इशू नहीं है, ये तो रखा हुआ है नीचे आके, मैं फिर इसको बाय कर लूंगा, देखिए अभी बाय नहीं है, इसको बाय में ही चले जाना है अभी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारी अच्छी पोजीशन कब होगी बाय की, अच्छी पोजीशन तब होगी जब इसके ऊपर आप इसे बाय करेंगे। सर अभी वो पिछले दिन के पिछले अभी जो आपने ग्रीन कैंडल बताई ना, वन आवर नहीं, 14th की जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो अभी मैंने वहाँ पे बाई कर ली, ठीक है, समझ, मतलब ये एग्जांपल, मैंने वहाँ पे बाई कर लिया, पर बाद में वो दो बाद में फिर वो नीचे जाने लगा ना, नहीं, तो अब मेरे को ये बताओ छोटा सा कि क्या ये आपका सेल में है, पहली बात तो ये है, क्वेश्चन ये है, नहीं बाय नहीं है। अब देखिए, अब देखिए मैं आपको लॉन्ग टर्म की स्टोरी बताता हूँ, लॉन्ग टर्म जाने दीजिए नीचे जाएगा कोई फर्क नहीं, 100-200 का नुकसान देगा ना, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसको मन से शुरू करता हूँ, मतलब अगर मैंने इसको 2 महीने रख लिया स्टॉक को एक बार तो क्या होने वाला है, ऐसे सोचते है ना, अगर मैंने इसको 2 महीने रख लिया तो क्या होगा। रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आपका स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, देखिए इतना आया ना, लेकिन गिर तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया ना स्टॉक, यहाँ नीचे ऊपर चला गया, तो ये तो गारंटी थोड़े ना कि यहाँ तक आके अभी गिर ही जाएगा, ऊपर फिर जाएगा, लेकिन ऊपर जाना किसके उसमें है, मतलब कौन बताएगा कि ऊपर जाएगा, ये आपको मन से शुरू करते हैं, देखिए इसकी कहानी, ठीक है। मैंने मंथ में देखा था, मंथ में मेरे को क्या दिखा रहा है पहले चेक करते हैं, मंथ में आपको दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है अभी, राइट, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन इसने कन्वर्जन और बेसलाइन दोनों क्रॉस कर लिए, राइट, ये क्लाउड से बाहर है और मंथली क्लाउड से बाहर है, इसका मतलब ये एकदम से तो गिरेगा नहीं। अब ये आपके पास क्या करेगा, ये सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट कौन सा होगा इसका, ये इसका सपोर्ट मिलेगा, और कौन सी लाइन पर मिलेगा, देखिए कौन सा है, ये आपका है 600 पर, या तो 600 पर और या फिर 584 पर, इस पर मिलेगा ये सपोर्ट। तो मतलब आपको क्या करना चाहिए, अब इसे 600 के आसपास फिर से बाय करनी चाहिए, बड़ी बार ही बाई करना है, 600 के पास से ही करना है, क्योंकि दैट इज द सपोर्ट लेवल। हाँ, अगर आपको करना है तो 600 के आसपास ही करिए सपोर्ट से, लेकिन आपने जैसे खरीद ली है तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको नुकसान दे जाएगा, देखिए कम हो गया, चल जाएगा, आपको फायदा दे जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए आपने इसको मंथ में देखा तो मंथ में आपको बुलिश दिखाई दे रहा नहीं है, इसको आप पीछे हिस्ट्री चेक करो, चलो इसके पीछे हिस्ट्री चेक करो, ये देखिए पहले कभी ये बाहर निकला था कि नहीं निकला था बताए, हाँ, निकला था, पहले कभी हिस्ट्री चेक करते हैं इसकी, ये देखिए बाहर निकला था, निकला था ना, क्या किया इसने, क्या गिर गया, नहीं, अच्छा खासा बुलिश गया ऊपर, हाँ, ठीक है, और पीछे की हिस्ट्री चेक करते हैं, देखिए ये तो निकला ही नहीं था बाहर, यहाँ पर देखते हैं और कब कब जब भी कभी बाहर निकला हो और पीछे की हिस्ट्री नहीं है इसकी। चलिए आप चेक करते हैं, मैं इसको वीक में देखने की कोशिश करता हूँ, वीक में क्या कर रहा है, मैं सब सारे टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। अब वीक में क्या कर रहा है ये बताएं, बाय में है, सपोर्ट में क्यों है, आप देखो मैं आपको जानबूझ के ऐसे क्लास कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ पढ़ाना था मेरे को, पर मैं कुछ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वीक आपका कितने दिन चलेगा, क्यों मोहन जी वीक कितने दिन चलेगा,
आपका वीक कम से कम, अगर मैं एक वीक की बात करता हूँ तो वो अंदाजन 2 महीने के आसपास चलेगा, 2 से 3 महीने। हाँ, क्योंकि डे आपका कितने दिन काम करता है, 22 दिन, तो वीक आपका 2 से 3 महीने तक काम करेगा। और आपको यहाँ पर वीक में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये कैंडल डाउन में आई थी और ये सपोर्ट लेके वापस चली गई, चली गई। दूसरी बात, आपका ये जो क्लाउड है वो फ्लैट है, मतलब नो ट्रेंड, लेकिन आपके पास कन्वर्जन और बेस लाइन आपको क्या बता रही है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड बता रही है। ये आपका ये सपोर्ट हो सकता है, कोई इमीडिएट सपोर्ट, और कैंडल तो काफी दूर पे है। हाँ, कैंडल भी काफी दूर पे है, तो ये सपोर्ट कोई हो सकता है, और ये सपोर्ट आपका 590 पे बता रहा है, वही हम लगा रहे थे पहले भी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसको 2 सपोर्ट मिल रहे हैं, 587 और 590 के आसपास मेरे को इसका 2 सपोर्ट मिल रहे हैं, मतलब इसके आसपास मेरे को खरीद लेना चाहिए इसे, अगर और मिलेंगे तो ओके, खरीद लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। देखिए ये इसको एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है अभी, ये वाला ये क्लाउड का अपर है, ये देखिए। अब मैं हम जाते हैं इसके डे पर, देखिए ये मेरा क्लियर हो गया। अब मैंने डे पर देखा तो डे मेरे को क्या बता रहा है, क्या डे आपको बियरिश बता रहा है, देखिए बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी ऊपर की तरफ टिल्ड है, और ये भी ऊपर की तरफ टिल्ड है, और ये तो आपका दूर है ही, मतलब ये आपको मना कर रहा है कि अभी बियरिश ट्रेंड नहीं है, राइट। चलते हैं अब 1 घंटे पर, 1 घंटे ने क्या बोला, क्या आपको घंटा बोल रहा है कि सेलिंग आ गई, बताए। हाँ यार, यस नहीं, यस सर नहीं आई है ना, नहीं पर बता क्या रहा है, ये देखिए नीचे आ रखा है। हाँ, मतलब हम ऐसा नहीं कि हमारा बाय बोल दिया मंथ ने या डे ने बाय बोल दिया तो बाय में ही सोचेंगे, नहीं, मंथ सॉरी मंथ जो ये 1 घंटा है वो आपको मना कर रहा है कि अभी एकदम से बाइंग ट्रेंड नहीं आया है। आपको कब बाय करना चाहिए इसको, आपको इसे बाय अब तब करना चाहिए जब कभी भी ये इसके ऊपर खुल जाए कन्वर्जन लाइन के, तो मतलब ये इसकी जगह नहीं है बाय की, जहां पर हम बाय कर रहे हैं इस समय, बाय में है सब कुछ, है सब कुछ ओके है, सब बाय में ही है, लेकिन अभी ये बाय की जगह नहीं है, क्यों मौजूद। मेरे ख्याल में बाय करना है तो क्लाउड पे करना है, नहीं तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर करना है, नहीं तो पिवट के ऊपर नहीं करना, इसको ना क्लाउड पे भी नहीं करना मोहन जी, इसको ना तरीका वही है कि जब भी ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर आपको मिले तभी आप बाय करो। अच्छा, सेफेस्ट वही है, यस। अब देखिए मैंने ये नहीं किया ना, देखिए बढ़ गया ना मेरा लॉस, हमने गलत जगह किया हुआ है इसको, गलत जगह को कभी मत रखो, ये देखो हटाओ क्यों झंझट कर रहे, आप उसे सही जगह रखो। अब अगर मैं इसको मेरे को लेना ही है तो मैं कम से कम किसी पिवोट पे या ऐसी किसी जगह पे ढूंढूंगा ना इसको बाय, अभी देखिए मेरे को कहीं से भी ये बाय नहीं शो कर रहा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती इसको बाय करूं। देखिए मैंने कर लिया, ठीक है मैंने गलती करी, गलती करी तो उसी टाइम सुधारो उसको, सेम टाइम। अब अगर मैं बाई चांस मैंने 25 क्वांटिटी के साथ 60 रुपीज का लॉस किया है, तो जैसे ही ये इसके ऊपर मेरे को थोड़ी देर में खुला मिलता है तो मैं यहाँ से 250 क्वांटिटी बाय कर लूंगा ना, मेरा लॉस खत्म, मेरे को पता है यहाँ से बाय जाना 100% है फिर इसका, यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरे को 2 पॉइंट में 500-700 रुपए दे जाएगा। ये अगर इसके नीचे आया है इसका मतलब ये सेलिंग पार्ट में आ गया है, और सेलिंग पार्ट इसकी कहां तक हो सकता है, या तो बेस लाइन तक, या क्लाउड तक, या नीचे कोई रीजन भी हो सकता है इसका, राइट और रॉन्ग। छोटे और छोटे टाइम, मतलब आई चीज मैंने जो समझाई है, क्यों मोहन जी। हाँ जी, अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, है ना, मैं इसको 15 मिनट पे जाके देखता हूँ कि क्या 15 मिनट पे बाय आई। ये देखिए मैं आपको टाइम फ्रेम ले जाके दिखा रहा हूँ मंथ से लेके 15 मिनट तक, 15 मिनट आपको सेलिंग बता रहा है। इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जब 15 मिनट का क्लाउड जो है ग्रीन हो जाएगा तो मैं इसे बाय करूं, मेरे को तो बाय करनी है ना, मेरे को तो बाय करनी है, तो अब तो 15 मिनट तक क्लाउड ग्रीन हो जाए, 15 मिनट 5 मिनट जो भी मैं टाइम फ्रेम लूंगा, और ये कम से कम इस कन्वर्जन लाइन के ऊपर पहुंच जाए, राइट, बेस लाइन तो गलत जगह पे है ना ये,
नहीं कन्वर्शन लाइन तो हो गया बेस लाइन, हाँ बेस लाइन सॉरी बेस लाइन के ऊपर पहुंच जाइए, मतलब अभी मेरा सही पोजीशन तो नहीं है ना बाइक की, समझ रहे हैं क्यों मोहन जी दर्शन जी? हाँ तो भी सेलिंग ही ना, हाँ मेरे को जब तक कंडीशन नहीं मिलेगी मैं बाय नहीं करूँ तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, और जब मेरे को कंडीशन मिलेगी आप धड़ल्ले से 500 स्टॉक भी बाय करोगे तो वो भी आपको दे के जाएगा पैसा, नहीं अभी नहीं मेरे को कोई बाइंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है अभी कि जहां पर मैं बोलूं कि चलो मेरा बाय आ गया, कोई भी नहीं है, केवल एक सपोर्ट पकड़ रहा है और वो सपोर्ट भी आपको मना कर रहा है कि देखिए ये जो क्लाउड है ये आपका स्प्रेड हो रहा है नीचे की तरफ को, मतलब ये ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, ये शायद ब्रेक करके यहां से भी नीचे निकलेगा, इसका मतलब अब मैं और पास में चलता हूं, मैं बोलता हूं 5 मिनट का क्लाउड, 5 मिनट का क्लाउड क्या बोल रहा है मेरे को, यस बताए 5 मिनट का भी बोल रहा है कि देखिए अभी कम से कम ये ग्रीन तो होने दे, मतलब मेरे को तो बाय में ही जाना है ना, मैं तो सोच के बैठा हूँ कि मेरे को बाय में जाना है, लेकिन बाय का सिनेरियो तो मिले मेरे को, मेरे को तो बाय का सिनेरियो नहीं मिल रहा है अभी, क्यों बाय का सिनेरियो कब मिलेगा, जैसे ही ये देखिए यहाँ क्रॉस करेगी अब मेरे को बाय का कोई सिनेरियो मिलेगा, देखते हैं अब बायर सेलर इसके क्या बोल रहे हैं, टाटा स्टील के बायर सेलर मेरे को क्या बोल रहे हैं, देखिए 8 और 7 बन गए बराबर, नहीं क्रॉस नहीं हुआ ना पहले से ले लिया आप, ठीक है चलिए इसको देखते हैं अभी आपके पास कहां पर जाता है स्टॉक, अब मेरे पास 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, कट सकता है मैं नहीं बोल रहा नहीं कटेगा, कट भी सकता है इसको, ये कितने पर है मैंने बोला कि 622.5 पे मैंने इसको रख लिया, कितने पर 622 लिया नहीं, अरे अभी से क्या हो गया एक्सीक्यूट नहीं हुआ कर लिया, ठीक है मतलब देखो मैंने कहां पर इसको स्टॉप लॉस बताया 1000 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है 622.5 रख लिया मैंने इसको ऐसे रख लिया इसको, कट सकता है कटने को कोई इशू नहीं है, हम उसको देखते हैं कि हमारा जाता कहां है, कम से कम देखो मेरे को पता है कि बाय में जा सकता है, अब देखिए इसके जो सेलर है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को अगर अपना स्टॉप लॉस रखना है तो कम से कम मैं यहाँ पर करूंगा 622.5 पे, कटने को कट जाएगा कोई इशू नहीं है, मैंने जल्दी ले लिया जबकि और फिर भी क्रॉसिंग के पहले ले लिया स्टॉप लॉस को रख लिया है कि अगर कटेगा तो 1000 का मेरे को नुकसान देख के जा भी सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है अब मेरे को क्या वेट करना है, मेरे को पहला तो वेट करना है इसके नीचे ना जाए नंबर एक, दूसरा मेरे को वेट करना है कि अगर ये इसको क्रॉस कर जाएगा ठीक है तो आपको तब एक बाय देगा और वो कम से कम क्लाउड तक का हो सकता है, राइट सही है कि नहीं हो सकता है, तो मैं वेट करूंगा इसको, ये स्टॉक को अब थोड़ी देर जाने देते हैं, 1000 रुपए का नुकसान देखे जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ट्रेड 1000 रुपए का नुकसान होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं और से करेंगे क्योंकि हम 2-3-4 हजार का भी नुकसान लेते हैं, आपने देखा है राइट और रॉन्ग, आप सही पोजीशन आपकी है, सही पोजीशन है, दुख दुख आपके दिल में होगी ट्रेड मैं ले रहा हूँ नहीं 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 नुकसान तो नुकसान है सबके लिए, हाँ नहीं नहीं नुकसान नुकसान है, देखिए आपको कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा ना, और डर की कोई वजह नहीं होती, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ट्रेड को रखने की कोशिश कीजिए कि अगर ये आपका थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, अब देखिए 53 हो रखा है, अगर ये आपका 60 से ऊपर चला जाएगा तो मेरे को एक बाय दे सकता है, देखिए अब ये इसके ऊपर आया है, आया ना अब ऊपर, भले ही मेरे को नुकसान दे जाए मेरे को लॉस दे जाए ये मेरे को 1000 रुपए नुकसान में डाल दे, लेकिन अभी ये ऊपर आया है, अगर ये ऊपर सस्टेन कर गया है ना, अगर ये ऊपर सस्टेन कर गया तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा राइट, अगर ये ऊपर जाता है तो, नहीं तो मेरे को 1000 रुपए का नुकसान दे जाएगा, यही करेगा ये राइट और रॉन्ग, लेकिन अपना सिनेरियो कौन सा बनाया, इसने अपना सिनेरियो बोला है कि इसका सिनेरियो अब ये पहला राउंड इसने कर चुका है और दूसरा राउंड ये क्रॉसिंग के लिए जा रहा है यहाँ पर, तो मेरे को कम से कम इसे वेट करना चाहिए कि कम से कम यहां से नीचे निकलेगा तभी मेरे को स्टॉप लॉस भी हिट होगा और तभी मेरा ट्रेड भी कटेगा, तब तक मेरे को इसे रखना चाहिए यहां पर, आप अगर ये ऊपर जाके इसने कैंडल क्लोज करी है या ऊपर कैंडल क्लोज करी है तो बहुत ज्यादा चांस होगी कि शायद ये अभी ऊपर चला जाए, सस्टेन करना चाहिए इसे ऊपर अभी राइट और रॉन्ग,
अगर ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर ये क्लाउड ब्रेक करेगा, राइट और रॉन्ग? गेट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, 1000 रुपए का नुकसान ही तो देगा और क्या करेगा, इससे ज्यादा तो मेरी जान तो ले नहीं सकता ये। क्यों पानी के भीतर 1000 रुपए का, इससे ज्यादा क्या कर लेगा? साथ में इंडेक्स का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। इंडेक्स देखिए, मैंने दूसरी स्क्रीन लगाई भी नहीं है, हालांकि मैं ये एक ही स्क्रीन पे चला रहा हूँ, पर आप इस समय देख भी सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पर जा रहे हैं। देखिए ऊपर पूरी ट्राई में है, ये भी देखिए पूरी ट्राई में है कि इसको क्रॉस कर दे ऊपर, है ना। अगर ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये भी बाय ले जाएगा और बैंक ये टाटा स्टील भी बाय लेके जाएगा अपना, राइट और रॉन्ग? हालांकि देखिए सेलिंग की तरफ ही है, लेकिन क्लाउड ये जो कंसोलिडेशन जोन होता है, मतलब क्लाउड जो होता है, इस क्लाउड के केस में क्या करता है, हमेशा ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्लाउड में आप कभी आपको बाय नहीं करना, क्लाउड में कभी बाय मत कीजिए, क्योंकि क्लाउड कंसोलिडेशन जोन में होता है, कहीं पर भी स्टॉक जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी गिर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, राइट और राइट? तो हमेशा कभी क्लाउड के अंदर आपको एकदम से बाय नहीं करना, इसलिए हम बोलते हैं कि क्लाउड से बाहर निकल जाने दो स्टॉक को। अगर क्लाउड से बाहर निकलेगा तो आपको एक अच्छा बाय देके जाएगा, राइट? लेकिन 500 स्टॉक लेके भी बैठे हुए आराम से और जब नुकसान देगा इससे ज्यादा क्या करेगा। लेकिन मेरे को ये तो पता है ना कि मेरी पोजिशन मैंने ठीक चुनी हुई, हालांकि क्रॉसिंग पे लेना चाहिए था, पर मैंने अभी क्रॉसिंग पे लिया, जल्दी कर लिया। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो हमें एक बाय दे सकता है अच्छा। ये देखिए कहाँ पर पहुंच गई, 53 पे है। अगर ये आपका 59-60 के आसपास हो जाएगा तो मेरे को एक बाय दे जाएगा यहाँ से। अभी चांसेस है, अभी देखिए क्रॉस किया, अभी ऊपर आ गया, आ गया ऊपर। देखते हैं कि मेरा बाय सेल कहाँ हुआ, ये देखिए 8 आपके सामने ही चल रही है, मैं आपके सामने ही हटाऊंगा इसको एकदम से, क्योंकि मेरी कंडीशन राइट है। मेरी बात समझे, मेरी कंडीशन राइट है, केवल कंडीशन के बेस पर मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। 23.8 पे देखिए, मैं आपका 24.3 ये चल रहा है, 23.79 24 पॉइंट चलने दीजिए अभी से, और चलने देते हैं इसे, रुकते हैं अभी, ठीक है। अभी नहीं रोकेंगे, अभी नहीं काटेंगे इसे, कटे दीजिए। 1000 रुपए हमने अपना वो लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इसको थोड़ा जाने देते हैं, ठीक है, जहां तक भी जाएगा ये, और हम इसको छोटे छोटे पॉइंट में कट करना शुरू करेंगे। मतलब मैं बोलता हूँ 24.7 पे मैं इसको पहला वाला लगाऊंगा, मतलब मैंने इसको अगर मैं 250 स्टॉक निकालूंगा तो मैं 24.7 पे निकालूंगा, ओके। अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरे को उतने पे ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा जो टारगेट है वो देखे जाएगा, और अगर उससे ऊपर जाएगा तो मेरे 250 स्टॉक कट भी जाएंगे। हमने 500 क्वांटिटी लेके छोड़ी हुई है, हमें नहीं पता क्या होगा, हमें स्टॉप लॉस काट भी सकता है ये, ऐसा नहीं काटेगा स्टॉप लॉस, लेकिन हमने 2 मिनट में भी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब अगर ये बाई चांस बाय ले जाता है यहाँ से, अगर आपके पास यहाँ से क्लाउड भी ग्रीन कर देता है तब अच्छा। पहले तो मेरे को ये बताइए क्या हमारी कंडीशन फॉल्स है इस समय, क्वेश्चन अभी क्रॉसिंग हो रहा है या क्लाउड ग्रीन नहीं है कंडीशन? आप देखिए क्रॉस कर गया पूरा, हाँ क्रॉस कर चुका, क्रॉस करके बाहर आ गया या 2 मिनट में काम कर रहे हैं हम, देखो देख रहे हैं, ये देखिए 2 मिनट से काम कर रहे हैं हम, क्या 2 मिनट से अच्छा क्या टाइम होगा, ये देखिए चल रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं 126 स्टॉक जितने मेरे पास पैसे दे रहा है, मेरे को 126 24.5 पे दे रहा है, 24.5 पे मैं 130 स्टॉक हटा दूं यहाँ से, देख लेते हैं अगर हट जाएंगे तो 24.5 पे मैं अपने कुछ स्टॉक हटा लेता हूँ, मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करता हूँ इसमें, हो गया चलें। अब आपके कितने हैं, 370
अभी हम एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा आगे करते हैं, 24.6 पे हम इसके 100 और हटा देते हैं, तो हो गया, अभी जाएगा, गया। अब हमारे 250 बचे हुए हैं, अगर 7 पे हमने 250 लगा रखे वो भी चले जाएंगे। अरे मैंने 200 कितने कर रखे, अरे यार पुराना पड़ा था ना, ना हो गया वो, मैंने असल में अपनी जो क्वांटिटी थी वो अलग कर रही थी, ऑर्डर मैंने अलग डाले हुए थे, वो पहले ही ले गया मेरे से पहले ऑर्डर मेरा ले गया। अच्छा, मैं जब तक उसे दूसरा कुछ करता वो पहले मेरा ऑर्डर ले गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए, हाँ। ट्रेन आपके सामने ही था, ठीक है, और उसने मेरे को पैसे भी दिए, हमने अपनी अपनी कंडीशन पर थे, देखिए देखिए, उसने 250 रुपए भी मेरे को दे रखे, मैं ऐसी ट्रेड छोटी छोटी करता हूँ बस। अब लेकिन किस कंडीशन पे हमने इसको ट्रेड किया, क्वेश्चन अब ये बनता है कि हमने किस कंडीशन पर ट्रेड किया, और टाइम फ्रेम क्या था, 5 मिनट। अगर मैं इसकी कंडीशन देखता था, देखिए आरएसआई ने अभी भी मेरे को नहीं दिया बाय, आरएसआई कब बाय देगा इसको, आरएसआई आपको बाय देगा जब ये इसके ऊपर निकलेगा। लेकिन मैं कौन सी कंडीशन पे बाय किया, मेरी जो कंडीशन थी जैसे ही बेस लाइन को उसने क्रॉस किया, देखिए मेरी गलत पोजीशन क्या थी कि मैंने इसको नीचे से उठा लिया था, राइट, मेरी गलत पोजीशन थी वो कि चलो हमने बाय कर लिया, वो हमें प्लस में दे गया वो अलग बात है, लेकिन वो मेरी कंडीशन गलत थी, मेरे को उठाना कब चाहिए था, जब ये बेस लाइन को क्रॉस करे और ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, कैंडल कन्वर्जन के ऊपर है। यस yes, आपने ये देखा कि जैसे ये कन्वर्जन के ऊपर गया तो इसने तब हमें पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई ना, नहीं, अब मैं टाटा स्टील मेरे को अब क्या करना चाहिए, मेरे को ऐसी जगह से, अभी देखिए 8.5-8.97, आप चाहो तो यहाँ से कहीं से उठा के रख सकते हो अपना ऊपर, मतलब जब बाय कर रहे थे तो ऐसी जगह से आप उठा के बहुत अच्छी तरह रख सकते थे, ये देखिए रख सकते थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आप ट्रेड करें तो ट्रेड करते हुए इस चीज का खास ख्याल रखें। अब देखिए बैंक निफ्टी कहाँ गया, ये देखिए हम यही बोल रहे थे, अब बैंक निफ्टी आपके बाय में आ रहा है क्या, देखिए बैंक निफ्टी ने अभी क्या बाय किया, ये देखिए नहीं अभी नहीं बाकी है, हम तो सोच के कर रहे हैं ना, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। देखिए बैंक निफ्टी ने आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल दे दी है, आप लेकिन मेरे को ये बताइए, सारा कुछ इसने बाय कर रखा है, सारा कुछ बाय है, ये देखिए मतलब क्रॉसिंग ऊपर हो चुकी है, आपके पास ये ऊपर चला गया है, पिवट के ऊपर आ गया है, लेकिन इसने अभी क्रॉसिंग नहीं दी है, मेरे मतलब मेरी अभी बाइंग नहीं बन रही है, राइट और रॉन्ग, हाँ या ये भी 5-10 मिनट में हो जाएगा ऐसे ट्रेंड है तो, क्या हुआ ये 5 मिनट में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं कर सकते, देखिए हर एक का टाइमिंग अलग है, हर एक का ट्रेडिंग का स्टाइल अलग है। अच्छा देखिए आप तो आपको तो मेरे साथ सीखते बहुत टाइम हो गया दोनों को, है ना, मेरे को बताइए कि अगर मैं इसको 2 मिनट पे ध्यान से चेक करिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसको 2 मिनट पे ट्रेड किया, 2 मिनट का भी कंसेप्ट वही था ना, देखिए ये आपका कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया, राइट, हाँ, जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया तो मैं ही लेता ट्रेड, मैंने आपको कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करने के लिए मना कर रखा है, मैंने बोला है बेस लाइन जैसे ही क्रॉस होगी और आपका कैंडल ऊपर आती है तो आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब आपको ऐसे सोचो कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया स्टॉक, ये क्रॉसिंग हुई और अगर ये बाहर निकल गया तो आप ट्रेड ले सकते हो 2 मिनट में, ठीक है, भले ही वो ट्रेड गलत जाए, आपने देखो ये देख रखा है इससे ऊपर नहीं रुक रहा है मार्केट, नहीं रुक रहा है, देखिए पहली बार गया नहीं रुका, दूसरी बार गया नहीं रुका, तीसरी बार गया नहीं रुका, मतलब अगर मैं 2 मिनट में देखता हूं तो 1-2 कैंडल मेरी बननी चाहिए यहां पर ऊपर, सब कुछ सिनेरियो बाय का है मगर ये बाय में अभी नहीं जा रहा है। अगर इसी सिनेरियो को मैं देखता हूँ 5 मिनट में जाके, सिनेरियो तो मेरा वही रहेगा ना, कंसेप्ट तो मेरा वही रहेगा, अब मेरे पास क्या होता,
अब ये देखिए भले ऊपर चला गया था, बाय में था, लेकिन क्या इसने क्रॉस किया हुआ था? नहीं, नहीं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ है? देखिए नीचे आ गया, देखिए नहीं गया ना, क्यों नहीं जा पाया ना? देखिए बाइंग में क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि हमने एक कंडीशन को, इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने एक कंडीशन को भी मिस किया हुआ है, और वो कंडीशन चीकू स्पैन की क्रॉसिंग है। और तरीके से चीकू स्पैन की भी क्रॉसिंग यहां पर नहीं होनी चाहिए, चीकू स्पैन की क्रॉसिंग यहां होनी चाहिए। Yes. नहीं लिया ना, मैं ये बोल रहा हूँ ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह ही करते हैं ना, जल्दीबाजी क्यों करनी है? अच्छा मोहन जी एक बार बताइए, आपके सामने मैंने 500 स्टॉक लिए, मेरी शक्ल से आपको आवाज में ऐसा लगा कि मैं डर रहा हूँ या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। रीजन क्या उसका? मेरे को पता है वो 1000 से ज्यादा नुकसान तो नहीं देगा ना मेरे को, दो पॉइंट लगा रखे, 500 स्टॉक ले रखे, बहुत ज्यादा मेरे को 1000 रुपए का नुकसान दे देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा, मैं आराम से बैठा हूँ, आराम से अपनी क्लास कर रहा हूँ। अब अगर आपने सही पोजीशन पे पकड़ा है तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, 90% चांस है कि आपको प्रॉफिट देके जाएगा। अब अगर मैं गलती से, अब सोचिए मैं यहाँ पकड़ लूँ तो मेरी गलती है ना ये तो? यस। लेकिन अगर मैंने इसको इसके ऊपर पकड़ा होता और ये भी क्रॉस हो चुकी होती तो मैं 100% श्योर होता कि अभी ऊपर जाएगा, मतलब 99% तो कम से कम श्योर होता है कि मैं ये ऊपर जाएगा, मगर अभी ये नहीं गया है तो ये मेरी पोजीशन गलत है, राइट? यस। अब मैं इसी चीज को, मेरे को कब तक इसका वेट करना है? मेरे को तब तक वेट करना है कि कैंडल जब तक ऊपर ना चली जाए, ये आपको क्रॉस ना कर जाए, कम से कम इसको क्रॉस कर जाए, और जब इसको क्रॉस करेगा तो ये बाहर आ चुका होगा। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस से ऊपर जब रुकेगा तो इसको मेरा जाएगा। तो मेरे को एक साथ और भी एक चीज और भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 5 मिनट में क्लाउड से नीचे है, मतलब सेलिंग का पोर्शन है अभी इसका, बाइंग का पोर्शन नहीं है, ये भी मेरे को खास ख्याल रखना है। अब इसी चीज को मैं लेके जाता हूँ 15 मिनट पे, सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम, मैं देखता हूँ 15 मिनट पे क्या हो रहा है। देखिए 15 मिनट में आपको ये जो लाइन दिख रही है बहुत बहुत डिस्टेंस पे है, ये भी चेक करिए, देखिए आपके पास क्या हुआ, ये डिस्टेंस पे थी ना, देखिए इतने आपके पास सेलिंग नहीं आई थी, जैसे ये पास में आएंगी तो सेलिंग आएगी, इसका मतलब अभी इसकी बाइंग नहीं है, जैसे ये दोनों पास में आ जाएंगी तब बाइंग बनेगी, राइट? तो मतलब अभी तो इसकी बाइंग है ही नहीं किसी कंडीशन में भी, राइट? और इसकी सेलिंग कब बनेगी? जैसे ही इसके नीचे आएगा तो सेलिंग बन जाएगी इसकी, मतलब यहाँ पर सेल भी नहीं करना, राइट? हाँ सर, सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। देखो तो मेरे को सेलिंग नहीं करनी, जैसे पीछे देखो ये क्या हुआ था, देखो ऊपर था, जैसे ही कन्वर्जन लाइन के नीचे आया आप सेल करते इसे, मतलब अगर मेरे को यहाँ पर सेल करना है तो मेरे को कम से कम इस कन्वर्जन लाइन के नीचे लाना पड़ेगा इसको, तब आप सेल करो, इसी कंसेप्ट को मैं, और इसका क्लाउड चेक करो, क्लाउड देखो आपका डाउन में जा रहा है, ऊपर वाला फ्लैट है, अभी ऊपर वाला फ्लैट है, नो जोन, मतलब इससे नीचे नहीं जा रहा है, कैसे ये आपका नीचे चलना शुरू होगा, ये नीचे चलना शुरू हो और लो ब्रेक करे, आप सेलिंग कर दो इसकी, आपको अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, ये मैं आपको एक चीज फिर से समझा देता हूँ, ये शायद ना समझ आई हो। पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या होगा कि ये आपकी कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगी कैंडल, राइट? हाँ, तब तो आपकी सेलिंग शुरू हो गई। या दो चीजें हैं, एक तो सेलिंग करना है ना मोहन जी, ध्यान से सुनना दर्शन जी, एक तो सेल करना और दूसरा अपनी पोजिशन पर सेल करना, दोनों में कंसेप्ट अलग अलग है, राइट? सेल करने का मतलब यह है कि कन्वर्जन लाइन के नीचे आया आप सेल कर दो, मतलब सेल बन गया आपका, लेकिन आपको सेल कब करना है? अगर आप 5 मिनट 15 मिनट देख रहे हो तो सेलिंग आपको तब करनी है, जो ऊपर फ्लैट लाइन दिख रही है आपको, फ्लैट लाइन का मतलब यह इससे नीचे स्टॉक नहीं जाएगा,
घूम जाएगा, जैसे ही ये नीचे चलना शुरू हो जाए ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाले को ब्रेक करे लो को कैंडल, समझ लीजिए कि अब आपका सेल आएगा। राइट और रॉन्ग, अब देखिए आपके सामने हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, अब इसकी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब सेल की कंडीशन फुलफिल हो रही है। राइट और रॉन्ग, लेकिन सेलिंग आई नहीं है, आपकी पोजीशन नहीं आई सेल करने की। अगर इसको सेलिंग में जाना है तो अपने लो को ब्रेक करना पड़ेगा ना। Yes. क्यों मोहन जी सही बोल रहे हैं? अगर इसको सेलिंग में जाना है तो अपने लो को ब्रेक करना पड़ेगा इसे, और अगर लो ब्रेक हुआ तो ये जो ऊपर वाला आपको नो ट्रेंड जोन बता रहा है ये आपका नीचे चलना शुरू हो जाएगा, तो उस केस में दोनों डाउन पर आ गए आगे और फिर आपका धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। यस राइट और रॉन्ग? यस सर। नहीं है, अब देख टाटा स्टील देख लेते हैं, टाटा स्टील ने क्या किया, देखिए रुका हुआ है, अभी रुका पड़ा है, देखते हैं अब आगे, अब इसको हम आगे चलते हैं, इसी को मैं अब बात करता हूं एक घंटे पर, कि अगर मैं घंटे पर से देखूंगा, देखिए अभी नीचे कैंडल क्लोज। अच्छा एक चीज और, कि जब अब इसकी सेलिंग आएगी तो आपका उस केस में नीचे कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए, राइट? एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, देखिए क्लोज नहीं हो रही है कैंडल नीचे, और जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए आप कुछ नहीं बोल सकते। तो एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी, उसके नीचे जब सेलिंग आएगी तब कोई सेल पकड़ेंगे आप। अब मैं इसी चीज को जाके देखता हूँ एक घंटे में, राइट? एक घंटे का सिनेरियो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अब एक घंटे में आपको क्या, एक घंटे में देखिए तब से सेल नहीं था, राइट? आ गया? यस अभी आया, अब आ गया, तब से नहीं आता। देखिए सर, हम कंडीशन चेक कर रहे थे, मेरे पास कोई सेल नहीं था, और उसके बाद आप देखिए मेरे पास एक सेलिंग का जोन बना है, मतलब ये मेरे पास सेल है, मैं सेल करके रख सकता हूँ, और इसका सेलिंग का टारगेट क्या होगा, ये वाला नीचे क्लाउड नहीं बेस लाइन, पहले उतना बेस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तब मेरा क्लाउड है। यस, और अगर इसके बीच में कोई पिवोट आ गया ऐसे तो पिवोट इसका टारगेट बनेगा। तो मतलब अभी जो मेरी सेलिंग होगी वो मेरी कहां तक आएगी, ये बेस लाइन तक आ सकती है नीचे कभी भी। तो लेकिन मेरे को यहां पर बता क्या रहा है, ये देखिए ये फ्लैट, ये फ्लैट, मतलब इससे ऊपर तो जाने वाला नहीं, ना इससे ऊपर ना इससे ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाद लेकिन मेरे पास दिक्कत क्या है, सेलिंग क्यों जोन नहीं है, क्या इसकी क्रॉसिंग आ गई, नहीं आई, मेरी बात समझे? दो चीजें बहुत यहाँ गड़बड़ हो रखी है इस जगह पर, जहां पर मैं रुक जाऊंगा और वो आपके कोई बताएगा नहीं इस चीज को, कि जब कभी भी आपके पास सेलिंग आएगी तो सबसे पहले कन्वर्जन और बेस लाइन की क्रॉसिंग होगी। ओके, देख रहे हैं? और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक उस टाइम पहले क्रॉस कर रहा है, मतलब ये सेलिंग नहीं है, ये फॉल्स सेलिंग है। नहीं समझे मेरी बात? क्यों, ये जो आपका ये दिख रही है कन्वर्जन बेस लाइन, इसको क्रॉस कर जाना चाहिए था पहले, उसके बाद चीकू स्पैन को क्रॉस करना चाहिए था। यस, लेकिन इसने क्रॉस ही नहीं किया अभी तक भी, और चीकू स्पैन क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये एक अच्छी सेलिंग नहीं बन सकती है। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सब अपनी अपनी डायरेक्शन बता रहे हैं ना। नहीं, कंपनी में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों के जो वो होते हैं व्यूज होते हैं अलग होते हैं, है ना, सब अपनी अपनी जगह राइट होते हैं। तो आपको कन्वर्जन लाइन बता रही है कि अभी सेल नहीं है, बेस लाइन बता रही है अभी सेल नहीं है, नो ट्रेड जोन में है, क्लाउड आपको बता रहा है कि नो ट्रेड जोन है, ये भी नीचे भी स्पैन बी भी बता रहा है नो ट्रेड जोन है, सब बोल रहे हैं नो ट्रेड जोन है, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि सेलिंग है। क्यों, केवल आपके पास चीकू स्पैन बोल रही है कि सेलिंग आ रही है, राइट? बाकी कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो इसको क्रॉस हो जाना चाहिए था अभी तक, मतलब अगर मेरे को सेलिंग इसकी करनी है तो मेरे को उस केस में कम से कम चीकू स्पैन के साथ साथ में इनका क्रॉसओवर भी जरूरी है। और ये नहीं आया, उसका रीजन देखिए, क्या स्टॉक गिर रहा है नीचे, ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो बाय में जा रहा है, जाके पास
पांच मिनट में चेक करिए, देखिए खिजिया पूरा ऊपर कैंडल को, हमारी बाइंग सेल नहीं आई है, इसमें तो भाई आ जाएगा थोड़ा ऊपर जाने से। हाँ मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमने जब इसको एक घंटे में चेक किया तो हमें पता लगा कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ पकड़ना बहुत मुश्किल का, हालांकि बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई भी देख के पकड़ ले, लेकिन आप सोचिए कि एकदम से कोई पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा। क्यों राइट और रॉन्ग, भले ही नीचे आएगा कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, लेकिन अभी हमें एक सिम्टम नहीं मिला। हमें सिम्टम कब मिलेगा, जैसे ही अगर ये क्रॉस करेगा मेरे को सिम्टम मिल जाएगा कि हाँ सेल हो गया। अभी आपका क्रॉस कर दिया, मैं मान लूंगा कि एक क्रॉसिंग है क्योंकि सीक्वेंस पेन भी क्रॉस कर चुकी है, लेकिन जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा मैं नहीं मान सकता कि सेलिंग है। ओके राइट, देखिए नहीं हो रहा है कुछ भी अभी, इसका मतलब पॉसिबल है कि ये थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद इसके ऊपर आपको मिल जाए। अगर इसके ऊपर मिल गया तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, भी यहीं से ऊपर चला जाएगा राइट जी। इसको जरा आगे एक दिन में देखें क्या हो रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं मोहन जी? मैं आपको बता रहा हूँ, दो मिनट, पांच मिनट, पंद्रह मिनट, एक घंटा, दो घंटा, पांच घंटा, एक दिन, एक महीना, सब आपके पास समझाएंगे आपको कि क्या होने। यस यस, मैं इसको एक दिन में ले जाके देखता हूँ इस दिन में क्या हो रहा है। ये देखिए दिन में असल में क्या हो रहा है, दिन में आपको बोल रहा है कि क्या ये सेलिंग आ गई, पहले तो ये चेक कीजिए। ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट का मतलब इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। पर क्या आपके पास कन्वर्जन, ये बेस लाइन फ्लैट है? नहीं है, ये तो ऊपर है। यस, कन्वर्जन लाइन भी आपकी तरफ ट्रेंड कर रही है, ठीक है, और चीकू स्पैन भी काफी डिस्टेंस पर है, मतलब अभी सेलिंग नहीं है। अगर सेलिंग नहीं है तो बाइंग होगी, अब अगर बाइंग है तो कहां पर, अगर बाइंग है तो कहां पर, इसका मतलब यहां बाइंग ले गए, या तो यहां पर बाइंग लेगा, या 1% यहां पर से गिर गया तो दूसरी बाइंग यहां पर लेगा, अगर बाइंग 1% गिर गया तो तीसरी बाइंग यहां पर लेगा, और अगर 1% और गिर गया तो चौथी बाइंग आपको यहां कहीं होगी क्लाउड के आसपास। ये चार आपको बाइंग के पोर्शन मिलेंगे, फोर्थ बाइंग पोर्शन आ जाएगा, तब तक तो सब पैरामीटर चेंज हो जाएगा, क्लाउड सब कुछ चेंज हो जाएगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, मगर आपके पास बाइंग पोजीशन वन मिल सकती है। उस टाइम पर जब आपकी यहाँ पर बाइंग हो रही होगी तो अच्छी को स्पेन भी नीचे क्रॉस कर चुकी होगी, वो सब देख के करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ से आपकी बाय बहुत अच्छी नहीं होगी, है ना? तो मतलब हम इसमें भी चेक कर रहे हैं, देखिए इस समय है तो बाय में ही सारा सिनेरियो, कन्वर्जन लाइन देखो, कन्वर्जन लाइन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मतलब ये सेलिंग तो नहीं है मेरी किसी भी कंडीशन में। क्यों, अगर मैं इसको वीक में देखता हूँ, इसी को मैं वीक में देखता हूँ, तो क्या वीक में आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेलिंग है? एकदम सही है, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, दोनों बाय में जा रहे हैं, ये भी ऊपर और ये फ्लैट हो रखी है आपकी, लेकिन आपका कन्वर्जन लाइन ऊपर बता रही है। तो अभी आपके पास ये क्या बन रहा है, ये आपका अभी बाइंग का स्टॉक बना हुआ है, सेलिंग का है ही नहीं पूरा। अगर मैं इसको मंथ में जाके, मंथ में तो दिखाएगा नहीं, मेरे को फ्यूचर है तो मंथ में नहीं दिखाएगा, लेकिन आपके पास क्या हुआ, आपको ये पता लग रहा है कि इस स्टॉक को मैं अभी रुक सकता हूं, अभी एकदम से मेरे को सेलिंग नहीं करनी है। कोई सा भी स्टॉक, अब टाटा स्टील उठा लेते हैं, देखिए निकल गया बाहर, हमने जो पोजिशन लगाई है उसमें टाटा स्टील को देखते हैं, देखिए टाटा स्टील को बड़ा करता हूं मैं, पोजिशन तो मेरी अब कोई है नहीं, ठीक है पोजिशन कोई नहीं है मेरी, अब मैं चलता हूँ इसको टाटा स्टील को, हम इसको 15 मिनट में चेक करते हैं, 15 मिनट में क्या हो रहा है। यस, क्या मेरी 15 मिनट में बाय आ गई? अभी तक तो नहीं आई, यही नहीं आई बाय, जबरदस्ती क्यों बाय करूं, बाय का केवल एक पैरामीटर मेरा पूरा हो रहा है और वो क्या है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के ऊपर स्टॉक आ गया, ना ही तो मेरा क्लाउड आपका फ्लैट हुआ है, ठीक है ठीक से, ना ही मेरी जो लाइन है इसने इसको ऊपर क्रॉस किया, तो मैं क्यों इसको बाय करूं, रीजन क्या है बाय करने का, कोई भी नहीं है। मैं चलता हूं इसे एक घंटे पर, इसको हटा लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं चलता हूं अब इसका एक घंटे पर, आप बताएं एक घंटे पे क्या इसकी बाय आ रखी है, देखे तो कन्वर्जन लाइन क्रॉस नहीं हुआ, कन्वर्जन लाइन क्रॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे को इसकी बाय नहीं लेनी चाहिए,
राइट। और दूसरी बात मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए इसका ये जो है फ्लैट है, बेस लाइन फ्लैट हो रखी है, देखिए स्पैन बी भी फ्लैट है, मतलब मेरे पास एक सेलिंग एक्सपेक्टेड हो रही है इसमें अभी, भाई छोटी सेलिंग हो सकती है, सेलिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो बाय में है ना, ये साइडवेज होगा, साइडवेज चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये, तो नीचे आने पर आप इसकी कोई बाय उठा सकते हैं, मतलब जितना नीचे से बाय उठाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है, या तो आप नीचे से बाय उठा लीजिए, या फिर जब कन्वर्जन लाइन के ऊपर खुले स्टॉक तो बाय कर लीजिए, ये सिंपल सा सिस्टम है इसका, राइट प्रॉब्लम। और देखते हैं, देखिए एक दिन में देखने की कोशिश करते हैं, दिन में क्या बोल रहा है ये देखिए, हमने यही बोला था नीचे से बाय लेके जाएगा, अब ये नीचे से बाय पकड़ रहा है, अब इसका कम से कम जो टारगेट है वो यहां तक का रहेगा, लेकिन जिस दिन भी आपको इसके नीचे मिल जाए, जिस दिन भी इसके नीचे मिल जाए कन्वर्जन लाइन के, तो एक शॉर्ट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, हालांकि रहेगा तो बाय में ही, लेकिन आपके पास तब एक शॉर्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, देखिए आज के कोई स्टॉक, एक मिनट तो स्टॉक देख लेते हैं, कोई अगर ऊपर गया हुआ स्टॉक हो तो फिर क्लास को बंद करेंगे, पहले मैं क्लास स्टॉक देख लूँ कोई अगर अच्छा मिलता हो तो, मैं देखता हूँ आज कौन सा जा रखा है, ये अल्ट्राटेक सीमेंट है और अडानी पोर्ट है, देखिए अडानी पोर्ट, और नीचे कौन सा गिरा हुआ है सेलिंग में, आईसीआईसीआई, एक अडानी पोर्ट को जरा सा एनालाइज कर लेते हैं, देखिए अडानी पोर्ट क्या आपको एक दिन में दिखा रहा है कि सेलिंग है, नहीं कहीं से भी नहीं दिखा रहा, इसने देखिए यहाँ पर सपोर्ट पकड़ा हुआ, चल दिया ऊपर वापस, मंथ में चेक करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको, मंथ में क्या कर रहा है देखिए, मंथ में देखिए सेम जैसा हमारा टाटा स्टील ने किया, देखिए बिल्कुल वही पोजिशन कर रहा है ये भी, देखिए डॉट उसी पोजिशन पे जा रखा, मंथली बाहर निकला था, अच्छा ऊपर चला गया, हम इसको देखते हैं एक घंटे में, यस एक घंटे में आपको क्या दिखा रहा है ये भाई, भाई दिखा रहा है पूरा, ये देखिए सारे के सारे कोई पैरामीटर इसका सेलिंग में नहीं जा रहा है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर चल रहा है आपका पूरा का पूरा, ये ऊपर जा रही है, ये कैंडल सब ऊपर जा रहा है, बाय में है सारा कुछ, सेल में है ही नहीं। अगर मैं इसका 15 मिनट जाके देखता हूँ तो देखिए 15 मिनट ने अभी अभी बाय बनाया है इसका, ये देखिए बना रहा है, कन्वर्जन लाइन ऊपर, बेस लाइन ऊपर, चीकू स्पैन बहुत दूर है, सपोर्ट के ऊपर स्टॉक है, तो आराम से आप बाय साइड में रह सकते हैं इसका, ठीक है। अगर मैं इसके 5 मिनट में देखता हूँ, देखते हैं 5 मिनट में क्या, 5 मिनट में आपका बताइए ये सब नीचे गिरा होगा ना कभी, तो देखिए क्यों गिरा होगा ना, अब ये सबसे पहले मेरे को कन्वर्जन लाइन के ऊपर चाहिए था स्टॉक, उसके बाद बेस लाइन के ऊपर, ठीक है, और अगर 5 मिनट में क्लाउड से बाहर निकले तो बेस्ट है, कैसे ही इसके ऊपर आया होगा, आप इसकी चाल देख लीजिए पूरी, नीचे भी आने की कोशिश की, आपको बाय यहां से करना था इसके ऊपर, देखिए बाय हो गया, अभी बाय नहीं चल रहा है ये, इसी की जगह पर आप आईसीआईसीआई बैंक कर देते हैं तो देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का क्या हाल है, ये देखिए क्या आईसीआईसीआई बैंक को बड़े टाइम फ्रेम से चेक करते हैं इसको, एक मिनट, यस मंथ में चेक करते हैं, यस मंथ में क्या कर रहा है, क्या ये सेलिंग में है, बाय में है, लेकिन आपके पास एक छोटा सा कहानी आपको दिख रही है कि ये आपका नीचे ट्रेड कर रहा है, यस, और ये आपका फ्लैट है, इसका मतलब कोई श्रिंकिंग हो सकती है, श्रिंकिंग हो सकती है कि मतलब ऐसा भी, क्योंकि बीच में तो इसके सप्लाई जोन भी आएंगे ना, देखिए हो सकता है सप्लाई जोन के आसपास से गिर भी सकता है, ये भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं गया एक दिन पर, यस दिन में आपको क्या बोल रहा है, सारी चीजें करूंगा मैं, ये देखिए ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, बाय में है अभी, इसका मतलब कैसे कैसे कोई सपोर्ट ले सकता है ये, या तो यहां से या कन्वर्जन लाइन से या बेस लाइन से, लेकिन सारी लाइन ऊपर है, अच्छी कुछ पेन भी बहुत दूर है, मतलब मेरा बाय है अभी, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि मेरा मार्किंग कहाँ पर आ रही है, मेरी मार्किंग मेरे को बता रही है कि मेरा जो बाय बनता है वो अंदाजन इस लाइन पर इस पे बनता है, मैंने एक घंटे पे चेक किया है, देखिए कहाँ पर है इस समय, ऑलमोस्ट लाइन पर, ऑलमोस्ट उसी लाइन पर, और बेस लाइन का सपोर्ट पकड़ा हुआ है इसने, यस दर्शनी सही है बिल्कुल, हाँ सर सही है, अब इसको अभी हो क्या रहा है, अब यहाँ पर दो केस है, क्योंकि एक घंटे में ये कैंडल को क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है,
देख रहे हैं, अब यही तो हमारी कहानी शुरू होगी। अब ये एक घंटे में कैंडल को क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है, तो अगर ये आपका नीचे आता है क्रॉसिंग पर तो ये इसका सपोर्ट टूट जाएगा। yes. और अगर सपोर्ट टूट जाएगा फिर इसका सेलिंग बन जाएगी कम से कम इसकी यहां तक और इसकी यहां तक, और अगर यहां से टूट गया तो ये फिर नीचे टूट जाएगा यहां पर, ये फिर सेलिंग आ गई इसकी प्रॉपर, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि ये चीकू स्पैन क्या कर रही है, मतलब अब इसे ऐसे समझिए कि चीकू स्पैन को इस पे सपोर्ट लेना पड़ेगा इस वाली लाइन पे। कौन सी वाली लाइन में बता देता हूं आपको, ये पिछले दिन का आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये वाला, इस रेजिस्टेंस पे इसे सपोर्ट लेना पड़ेगा, और नीचे हमारा ये डेली का सपोर्ट है ही, मतलब अब इस स्टॉक को यहां पर सपोर्ट लेना पड़ेगा तब जाके इसका काम होगा। तो मैं इसको 10 मिनट पे लगाता हूं, देखिए 10 मिनट पे इस समय क्या कर रहा है, क्या सपोर्ट ले रहा है? नहीं। इसका मतलब 10 या 5 मिनट में कम से कम इसे अपने क्लाउड से तो ऊपर निकलना ही चाहिए। नहीं। जी अभी कोई भी ना तो अभी देखिए ना तो इसकी क्रॉसिंग आई नंबर एक, ना ही चीकू स्पैन क्रॉस कर रही है यहाँ कहीं, ना ही आपके पास क्लाउड आपका श्रिंक हो रहा है, तो क्यों इसे बाय किया जाए, इसे तो सैली करेंगे ना। राइट राइट बताए, इजी है ना, तो जब इशिमोको से ट्रेडिंग करनी है तो इशिमोको से ही करते हैं ना। या मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं लगा होगा क्लास में इसे, क्यों नहीं ये सही ना। या अब इसके साथ में आप कोई भी इंडिकेटर ज्वाइन कर लीजिए, आराम से काम करिए। नहीं इसको एक बार देख के आप मेरे को बताना, देखिए मैंने आपको पूरी ट्रेडिंग का कंसेप्ट इसी में बताया पूरा इशिमोको पर, है ना। एक बार अभी देखिए इसकी भी अभी भी सेलिंग नहीं आई थी, कोई सेलिंग नहीं है। टाटा स्टील देखिए कोई बाय पे नहीं आया, बाय तो तभी करेंगे ना हम, दूसरा केस ही नहीं हमारा बाय का। देखिए सेलिंग ही जा रहा है, जाने दीजिए इसको, जब तक कोई बाय की पोजीशन नहीं आएगी हम क्यों बाय करें उसे। देखिए सेलिंग ही चल रहा है, चलने दीजिए क्या जाता है। देखिए तभी बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, हाँ जाना ही है उसने, अभी जाएगा ही जाएगा। ये देखिए अभी चल दिया नीचे की तरफ। चलिए क्लास को बंद करें फिर, आप बोले तो ओके ओके इतना हो तो बताइए कुछ नहीं।